जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शुक्रवार का दिन 7 जुलाई, आज शुक्र का राशि परिवर्तन है। आयुष्मान योग रात 8:30 तक, उसके बाद सौभाग्य योग आरंभ होगा। सतविशा नक्षत्र है, रात 10:16 तक राहु स्वामी है, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव होगा। आज सावन माह किस पक्ष की पंचमी तिथि है। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है। आज शुक्र का राशि परिवर्तन सुबह 4:28 पर होगा। शुक्र के साथ मंगल का संयोग होगा, जो 23 जुलाई तक है। शुक्र अब आपकी कुंडली में आपके भाग्य को चमकाएंगे, संपत्ति समृद्धि धन का योग बनाएंगे। गुरु मंगल शुक्र का नवम पंचम राजयोग जो 7 जुलाई से बनेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ आपके लिए बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग 18 अगस्त तक रहेगा, जिसके कारण भाग्य भी आपके चमकेंगे, शुभ फलों की प्राप्ति भी होगा। धन समृद्धि लाभ से आपके जीवन में सुख सौभाग्य का योग बनेगा। मंगल और शुक्र के प्रभाव से आपकी स्थिति बेहतर होगी, लाभ होगा और आपकी जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बृहस्पति जब मंगल और शुक्र के साथ नवम पंचम योग बनाता है तो आपकी जीवन में एक नई शुरुआत होती है। शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर करना, इस समय बृहस्पति भरणी नक्षत्र में शुक्र से प्रभावित है, जबकि शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में बुध से और मंगल इस समय अश्लेषा नक्षत्र में बुध से प्रभावित है। आपकी कुंडली में बुध और सूर्य का युक्ति है, ऐसे में अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन में बेहतर परिणाम, आत्मविश्वास से जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना, आपके लिए हर कार्य सफलता से पूरे होंगे। मंगल और शुक्र का एक साथ गोचर करना शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में शुभ फल लेकर आता है। आपकी स्थिति बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति का शुक्र के साथ नवम पंचम योग बनाना आपके भाग्य को चमका रहा है। ये दुर्लभ राजयोग है जो आपकी कुंडली में आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, बेहतर स्थिति आपके लिए बड़े लाभ लेकर आएगा। अनुकूल स्थिति बन रही है, जिसके कारण आपके भाग्य चमकेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान और लाभ स्थान में बैठा स्वामी मूल त्रिकोण में एक दूसरे को देख रहा है, जिसका असर आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, अचानक आपके जीवन में लाभ भी होगा और शनि की स्थिति बुध के साथ आपके पारिवारिक स्थिति को अच्छा बनाएगा। नवम पंचम योग से आपकी प्रतिष्ठा निखरेगी, पराक्रम बढ़ेगा, धन सौभाग्य के लिए ये समय अच्छा है। व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा और आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। स्टूडेंट के जीवन में बृहस्पति का नवम पंचम योग बनाना आपकी स्थिति में शुभता लेकर आएगा, क्योंकि त्रिकोण का राजयोग आपके जीवन में परिवर्तन करता है, शुभ समाचार देता है। ऐसे में नौकरी का योग बनता है, संतान की उन्नति होती है, शिक्षा के से संबंधित कार्य आपके पूरे होते हैं और बेहतर परिणाम की प्राप्ति होती है। मंगल जो साहस देता है, ऊर्जा देता है, बृहस्पति जो धन समृद्धि को बढ़ाता है, शुक्र जो आपके जीवन में सुख देता है, आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आया है। अपने कर्म को करते जाएं, भाग्य आपका बदलता जाएगा, किस्मत के द्वार भी खुलेंगे, समृद्धि सफलता
और परिवार की खुशी भी देखने को प्राप्त होगी। जीवन बड़ा सुखमय होगा, सारी बाधा आपकी दूर होगी और भाग्य भी आपके चमकेंगे। शानदार अवसर आपकी जीवन की गति को तेज बनाएगा। आज सद्भिषा नक्षत्र रात 10:16 तक राहु का प्रभाव, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव। राहु बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, शुक्र और बुध की दृष्टि है। सफलता पाने का उत्तम समय है, कठिनाइयों को पार करने का बेहतर अवसर है। धन स्वर्ज देने वाला, जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला आज शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। आज शनि बृहस्पति मंगल और शुक्र चार चरण में आपके दिन व्यतीत होंगे, जो आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएंगे। अपने भाग्य से, अपने मेहनत से आप बड़ी सफलता पाएंगे। आपकी जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ते जाना, धन का योग बनाना, सुख समृद्धि देना, यानी आपके लिए हर इच्छा को पूरा करने वाला, वांछित सफलता सिद्धि देने वाला बेहतर समय है, जो आपकी अड़चनों को दूर करेगा, आपके जीवन में शुभ फल लेकर आएगा। आज राहु काल 10:42 से 12:26 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, लक्की नंबर 5 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 11:58, विजय मुहूर्त 2:45, अमृत काल 3:43। आपके लिए शुभ है, आपके घर में खुशियां आएगी, आपके बिगड़े काम बढ़ेंगे, धन लक्ष्मी का आगमन होगा, नए काम की शुरुआत होगी, जीवन में सामर्थ्य बढ़ेगा, सफलता की प्राप्ति होगी, आमदनी आपका बढ़ेगा, भाग्य की प्रबलता से आप आगे बढ़ेंगे। समय शुभ है, महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे, आपके प्रयास सफल होंगे और आपके जीवन में तरक्की समृद्धि का योग बनेगा। तो आज का दिन शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके भाग्य चमकने वाले हैं, जीवन की मुश्किलें दूर होने वाला है, आपकी स्थिति बदलने वाली है, धन बल से युक्त शानदार जीवन, स्वाभिमान से भरा हुआ, सुख भोगने वाला, अति आत्मविश्वासी, भाग्यशाली, आपके लिए परिवर्तन का योग है, आपके लिए सुख समृद्धि का योग है, सौभाग्य का योग है। शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके भाग्य चमकेंगे और बृहस्पति शुक्र मंगल के नवम पंचम योग से आपके जीवन में सफलता और खुशहाली की प्राप्ति होगी। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपकी हर बाधा दूर होगी और आपके जीवन में सफलता कामयाबी का योग बनेगा। आपके लिए दिन बड़ा शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।